नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल ई सुबिसेस में। आज की शो में हम बात करेंगे यहाँ पे कोटक बैंक का क्रेडिट कार्ड यहाँ पे मिला है। अकाउंट ओपन करने के साथ साथ क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पे मिल गया, तो कैसे मिला, क्या प्रोसेस है, सब कुछ आपको शो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। वैसे तो यहाँ पे देखिए कोटक बैंक से रिलेटेड मैं यहाँ पे पहले भी वीडियो दिया हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि कोटक बैंक जो है अपने सर्विसेज को यहाँ पे वेस्ट करते जा रहा है। मतलब अच्छे से अच्छे यहाँ पे सर्विसेज दे रहा है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड एफडी क्रेडिट कार्ड पे लिमिट इंक्रीज कर रहा है, जो कि अभी तक कोई भी बैंक यहाँ पे नहीं कर रहा है। दूसरा यहाँ पे देखिए कोटक बैंक ऑन कॉल क्रेडिट कार्ड दे रहा है, चाहे आपका यहाँ पे अकाउंट माइनस में ही क्यों ना हो, लेकिन आपको क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे मिला है, ठीक है, जो कि मैं करीब एक डेढ़ साल से यूज कर रहा हूँ और भी लोगों को यहाँ पे मिला है। कोटक बैंक यहाँ पे देखिए, बस आपका यहाँ पे देखिए यूटिलाइजेशन सही रहना चाहिए, सिविल यहाँ पे 750 प्लस रहना चाहिए, तब आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड मिलने के चांसेस रहेंगे। आपके पास यहाँ पे कोई ना कोई एक क्रेडिट कार्ड रहेगा तो आसानी से मिल जाएंगे। अब देखिए कोटक बैंक में यहाँ पे देखिए जो एक क्रेडिट कार्ड दिया जाता है 811 क्रेडिट कार्ड, जो कि यहाँ पे अनसिक्योर कार्ड है, ठीक है, ये यहाँ पे दिया जाता है। आपको अप्लाई करने पे भी मिलेगा, प्लस यहाँ पे देखिए अप्लाई करते समय आपको यहाँ पे ऑफर भी दिख जाएगा अगर आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं तो। क्योंकि कोटक बैंक यहाँ पे देखिए, जब आप यहाँ पे अप्लाई करने जाते हैं, जब यहाँ पे कोटक बैंक अकाउंट ओपन करने जाते हैं, तब आपका यहाँ पे जो सिविल है उसको एनालाइज करता है, उसको यहाँ पे चेक करता है, अगर आप एलिजिबल होते हैं आपके डेटा को देखता है, उसके बाद आपको ऑफर देता है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे मिला है नंदू भाई को, एक एक करके मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ। देखिए नंदू भाई क्या बोल रहे हैं कि कोटक बैंक का जो है यहाँ पे इन्होंने अकाउंट ओपन करा है, 811 अकाउंट इन्होंने ओपन करा है। अकाउंट कितना पुराना है मैं आपको बता दूँ, करीब 15 दिन भी नहीं हुआ है अकाउंट ओपन किए। 14 मई को इन्होंने अकाउंट ओपन किया था, कोटक बैंक का इन्होंने 14 मई को यहाँ पे अकाउंट ओपन किया था, जीरो बैलेंस अकाउंट इन्होंने ओपन किया। ओपन करते टाइम यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोटक बैंक का 811 क्रेडिट कार्ड ऑफर दिखाई दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आप यहाँ पे अकाउंट ओपन करेंगे तब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाता है कि क्रेडिट कार्ड के लिए आप यहाँ पे क्रेडिट स्कोर यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो उसके यहाँ पे चेक करते समय अगर आप इलिजिबल होते हैं तो आपको ऑफर दिया जाता है, नहीं तो यहाँ पे आपको एफडी क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे ऑफर दिया जाता है। तो इनको यहाँ पे अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड 811 का यहाँ पे दिखा, उस समय यहाँ पे लिमिट यहाँ पे 52,000 की दी गई थी, लेकिन आज उन्होंने चेक किया तो उसमें लिमिट यहाँ पे 69,000 की यहाँ पे लिमिट दिख रही है, ठीक है। 69,000 की लिमिट के साथ इनका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हुआ। इन्होंने यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे देखिए एक एक करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट भेजा। पहले तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट कार्ड यहाँ पे इन्होंने जब अप्लाई किया उसका यहाँ पे मैसेज आ गया, वी हैव रिसीव योर कोटक बैंक क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन, यहाँ पे 7 डेज का यहाँ पे टाइम लिया गया। फिर उसके बाद यहाँ पे कंग्रेचुलेसन का यहाँ पे आ गया, 3 दिन में यहाँ पे डिस्पैच का भी यहाँ पे बोला गया कि मैसेज आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए वीडियो केवाईसी यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे हो गया, इनका अकाउंट था तो वीडियो केवाईसी करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद यहाँ पे देखिए केवाईसी हो गया, यहाँ पे 811 का सब कुछ यहाँ पे हुआ, कोटक यहाँ पे चालू हो गया। यहाँ पे देखिए इन्होंने भेजा है लिमिट वगैरह, 811 अकाउंट यहाँ पे देख लीजिए 69,000 की लिमिट है, यहाँ पे टोटल अवेलेबल लिमिट भी यहाँ पे 69 यहाँ पे बचा हुआ है। तो देखिए कोटक बैंक में ये फैसिलिटी अच्छी है, दो टाइप से आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड आपको मिल सकता है कोटक बैंक में। एक तो यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पे 811 अकाउंट है तो 811 वाला ही कार्ड यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, आपको और भी यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ऑफर दे दिया जा सकता है। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है 811 वाला यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड है वो आप यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तभी आपको ऑफर दे दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अदर जो आपको यहाँ पे कार्ड यहाँ पे ऑफर दिया जाए, जैसे कि मुझे यहाँ पे मेरा भी यहाँ पे 811 अकाउंट था, लेकिन मुझे जो यहाँ पे ऑफर दिया गया था यहाँ पे गोल्ड, यहाँ पे जो है कुछ यहाँ पे गोल्ड करके क्रेडिट कार्ड था उसका यहाँ पे दिया गया था, अदर लोग यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे ऑफर दिए गए थे। मतलब ऑन कॉल आपको यहाँ पे कोई भी मिल सकता है, एक तरफ से यहाँ पे प्री अप्रूव यहाँ पे ऑफर दिया जाता है, उसमें यहाँ पे कोई भी कार्ड आपको मिल सकता है। लेकिन ये वाला यहाँ पे जो कार्ड है 811 क्रेडिट कार्ड वो अप्लाई करते ही आपको यहाँ पे दिया जाएगा अगर आप एलिजिबल होते हैं तो। 750 प्लस आपका सिविल रहना चाहिए, एरिया में आपके यहाँ पे सर्विस रहना चाहिए, बहुत कम ही एरिया में यहाँ पे सर्विस है। दूसरा यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे जो यूटिलाइजेशन है वो कम रहना चाहिए, इतना सब सही रहेगा तब जाके आपको एक क्रेडिट कार्ड मिलने के चांसेस रहेंगे। एक चीज़ और है, अगर आपके एरिया में सर्विस नहीं है और आप यहाँ पे अकाउंट ओपन कराते हैं तब आप यहाँ पे बिना एरिया सर्विस क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकते हैं। बिना एरिया सर्विस यहाँ पे क्रेडिट कार्ड मिलने के चांसेस तब रहते हैं जब आपके एरिया में सर्विस ना हो और आपका अकाउंट ना हो तब, क्योंकि उस समय यहाँ पे आपका पिन कोड वगैरह सब यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस था, मैंने यहाँ पे एक एक करके बताया। कुछ अगर डाउट्स होता है, कुछ पूछना रहेगा
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कोटक बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, अप्लाई कर सकते हैं। कोटक बैंक से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो दे दूंगा, आप देख सकते हैं, कुछ भी डाउट रहे तो पूछ भी सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं शुरू में कुछ नया अपडेट लेके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।